हाँ साथियों, हम लोग बातें किस पर कर रहे थे? अपने पास लौटने पे। अभी हमारी शक्तियां बिखरी हुई हैं। पूरी तरह बात समझने के लिए मैंने सुभाष जी का उदाहरण दिया था। इसको बहुत लो लेवल पे समझ लीजिए। देशभक्ति के गीत सुनते हो, ओह पूरे देशभक्त हो जाते हो। मेरे देश की धरती सोना, उन्हें लगता है कि अभी तुरंत बॉर्डर पे चले जाओ। अब फौज में ही भर्ती होना है, गोल बदल गया। क्या कर रहे हो? दो दिन फौज में भर्ती होने की तैयारी कर रहे हो। उसके बाद क्या हुआ? गिर गया वो, धीरे धीरे बुखार उतर गया। एनसीसी से भी उतर गए, मिलिट्री का बुखार उतर गया, दूसरा बुखार चढ़ गया। पता चला कोई टेक्निकल में गया है, कोई कहाँ। अभी हमारी स्थिति है, हम मदहोशी में, जैसे कि कोई नशा कर लिए हो और अपने पास हैं, अपने बस में हम हैं। इसीलिए ये जो सारी प्रक्रिया मैं वहाँ से ला रहा हूँ अपने पास लौटने के लिए। जब हम अपने पास आ जाएंगे लौट करके, तब हम अपने को देखने लगेंगे। अपनी सारी क्रियाएं, कब उठते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे जगते हैं, कैसे चिल्लाते हैं माँ पर, अरे माँ अभी तक तुम चाय नहीं लाए, क्या हो रहा है, ये बेबी हो, हाँ क्यों ऐसा कर रहे हो, सीज हो वो विचार ही नहीं किया, उनको भी तो जरूरत है सेवा की। कितने क्रूएल हो गए हैं हम, और अभी लेक्चर देना हो क्रूएल्टी पे तो बहुत सारे लेक्चर दे देंगे। हम तो शुरुआत ही अपनी कर रहे हैं वहीं से। तब यह दिखने लगेगा, बाहरी आईना नहीं, ये जो 50 बार हम ऐसे करते हैं और ऐसे करते हैं ना, जब अंदरूनी आईना दिखने लगेगा, हम स्वयं को देखने लगेंगे, सुबह से रात तक देखने लगेंगे, कितनी बार हम हिंसक हुए हैं, कितनी बार पत्ते नोचे हैं, कितनी बार फूल नोचे हैं, कितनी बार कैसे घटिया विचारों से लैस हुए हैं। जब ये दिखने लगे, तब ये सोच लो कि अब आप फिर से पुनर्जन्म पा रहे हो और पुनर्नवा हो रहे हो। मैं वहां आपको साथियों ले चलना चाहता हूं। मैंने पहले भी कहा कि इस पर कभी हम चर्चा ही नहीं करते। तमाम तरीके की चीजें मॉल में जाते हैं, ये खरीद वो खरीद। विश्व साहित्य कभी खरीदा? लिटरेचर कभी खरीदा ना? वो पागल है, दुनिया के कलाकार, दुनिया के लेखक, दुनिया के इतिहासकार किस लिए कर रहे हैं ये? हमारे लिए सबसे बड़ी वसीयत वो रख के जाते हैं और हम दरिद्र बने घूम रहे हैं। तो मैं चाहता हूं आप अपनी इस दरिद्रता को छोड़े और अपने राजापन को पहचाने। ठीक है साथियों, लौटते हैं अपनी ओर, अपने राजत्व को पाने के लिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं।